नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो, फाइनली हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर। इसमें हम बात करेंगे आज के 8 बड़ी भर्तियों के बारे में जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका है फरवरी या फिर मार्च में। तो चलिए जानते हैं 8 वैकेंसीज के डिटेल्स। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कर दें, और अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो अपने स्टेट में, अपनी लोकेलिटी में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हम वहां पर प्राइवेट जॉब भी बताते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों फाइनली हम आ चुके अपनी वेबसाइट पर और इस वैकेंसी के लिए लाइक का एम रखते हैं 1000, तो प्लीज लाइक कर देना। यहां पर पहली वैकेंसी आई है DSSP के डिपार्टमेंट से, यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिपार्टमेंट से। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के। टोटल वैकेंसी 264 है। पे स्केल यहाँ पर मिलता है 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक। क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री या फिर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा है 18 से 27 साल, 30 साल या फिर 32 साल मैक्सिमम, और आपको आयु की गणना की जाएगी 1 मार्च 2019 से। जॉब लोकेशन रहेगी दिल्ली इंडिया, और अप्लीकेशन फीस इसके लिए है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, वहीं SC ST PHV मैन एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन बेस्ड है यहाँ पर 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम पे एंड स्किल टेस्ट पर। अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट है delhi.gov.in। इंपॉर्टेंट डेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है 30 जनवरी 2019, वहीं लास्ट डेट है इसका 1 मार्च 2019। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट से। पोस्ट है कंसल्टेंट के। टोटल वैकेंसी 16 है और सैलरी यहाँ पर मिलती है 61,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन इसके लिए है BE BTEC ग्रेजुएशन और MBA। आयु सीमा है 44 साल मैक्सिमम, और आयु की गणना की जाएगी 9 फरवरी 2019 के आधार पर। जॉब लोकेशन रहेगी न्यू दिल्ली, और एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए है बिल्कुल फ्री। सिलेक्शन बेस्ड है शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू पर, और अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.pfcindia.com, और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है यानी कि स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी, वहीं लास्ट डेट है 9 फरवरी। इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख सकते हैं। दोस्तों थर्ड वैकेंसी आई है ONGC के डिपार्टमेंट से, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट, असिस्टेंट टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर फायरमैन व अन्य पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 86 है और सैलरी यहाँ पर मिलती है 12,000 से लेकर 27,000 रुपये तक, 11,000 से लेकर 24,000 रुपये तक, वहीं 10,000 से लेकर 18,000 रुपये तक। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रेंज है। क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, ग्रेजुएट, BSc या फिर डिप्लोमा। आयु सीमा 18 से 27 साल कुछ पोस्ट के लिए, वहीं कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल। जॉब लोकेशन रहेगी चेन्नई तमिलनाडु इंडिया, और एप्लीकेशन फीस यहां पर है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 370 रुपये, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन बेस्ड है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT पे एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्किल टेस्ट पर। अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट है www.ongcindia.com। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट इसकी है 31 जनवरी, लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019, और लास्ट डेट है फी जमा करने का 21 फरवरी 2019। एग्जाम का डेट है अप्रैल 2019, और इंपॉर्टेंट लिंक शो कर रहे हैं। दोस्तों फोर्थ वैकेंसी आई है UBI के डिपार्टमेंट से, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से। पोस्ट यहाँ पर है आर्म गार्ड के, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 100 है। सैलरी यहाँ पर मिलती है 9,560 रुपये से लेकर 18,545 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन है केवल 10वीं पास। आयु सीमा 18 से 25 साल, और इसकी गणना की जाएगी 1 जनवरी 2019 से। जॉब लोकेशन रहेगा ऑल ओवर इंडिया, और एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये मात्र। अगर हम बात करें सिलेक्शन की तो सिलेक्शन बेस्ड है ऑनलाइन एग्जाम पर, फिजिकल टेस्ट पर। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.unionbankofindia.co.in। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट इसकी है 23 जनवरी और लास्ट डेट है 18 फरवरी 2019, और इसकी इंपॉर्टेंट लिंक शो कर रही है। दोस्तों ये वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है DEI के डिपार्टमेंट से, यानी कि दयाल बाग एडुकेशनल इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर लाइब्रेरी हेल्पर की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 3 है। सैलरी मिलती है 6,045 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन है केवल 10वीं पास। आयु सीमा है, आपको नोटिस देखना पड़ेगा। जॉब लोकेशन रहेगी आपको आगरा उत्तर प्रदेश। एप्लीकेशन फीस के लिए भी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा।
अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन बेस्ड एप्टीट्यूड एंड ट्रेड टेस्ट पर अप्लाई मोड ऑफलाइन है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dei.ac.in। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11 फरवरी और एप्टीट्यूड एंड ट्रेड टेस्ट का डेट है 15 फरवरी सुबह के 11 बजे। इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स के लिए। अगर हम बात करें सिक्स वैकेंसी की तो सिक्स वैकेंसी IAWBPSC के डिपार्टमेंट से यानी कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के डिपार्टमेंट से, पोस्ट है मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर के नॉन टेक्निकल से। टोटल वैकेंसी 74 है। सैलरी यहाँ पर मिलती है 7,100 रुपये से लेकर 37,600 रुपये पर मंथ, साथ ही ग्रेड पे मिलता है 39 रुपये का। क्वालिफिकेशन इसके लिए है बैचलर डिग्री, आयु सीमा 18 से 39 साल तक और जॉब लोकेशन रहेगी वेस्ट बंगाल। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 160 रुपये, SC ST वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स एंड PWD के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। सिलेक्शन बेस्ड है रिटर्न एग्जामिनेशन एंड फिजिकल टेस्ट पर। अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स से स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी, लास्ट डेट है 17 फरवरी, लास्ट डेट है फीस जमा करने का 17 फरवरी और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 18 फरवरी। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर हम बात करें सेवंथ वैकेंसी की तो सेवंथ वैकेंसी IA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज के डिपार्टमेंट से। इसके लिए पोस्ट है डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, क्लिनिकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, वर्कशॉप सुपरवाइजर कम स्टोर कीपर, टाइपिस्ट एंड क्लर्क के काफ़ी सारे पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी 15 है। सैलरी यहाँ पर मिलती है कुछ पोस्ट के लिए 20,000, कुछ के लिए 30,000, कुछ के लिए 50,000, कुछ के लिए 70,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है UG डिग्री, PG डिग्री, MPhil डिग्री, MBBS, MBA या फिर BSc या फिर 12वीं पास, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए 12वीं पास चाहिए, टाइपिस्ट के लिए BSc, आप देख लेना सारा डिटेल। आयु सीमा के लिए आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाना होगा। जॉब लोकेशन यहाँ पर रहेगी चेन्नई तमिलनाडु। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 500 रुपये, SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं लगता है। सिलेक्शन के लिए आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट niepwd.tn.nic.in है और इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी, लास्ट डेट है इसकी विद इन 21 डेज। इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की लास्ट वैकेंसी आई है RSM SSB के डिपार्टमेंट से यानी कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिपार्टमेंट से। पोस्ट है यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के। टोटल वैकेंसी 28 है। सैलरी यहाँ पर मिलती है पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर। क्वालिफिकेशन है BSc डिग्री चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 साल और इसकी गणना की जाएगी 1 जनवरी 2020 के आधार पर। जॉब लोकेशन रहेगी राजस्थान इंडिया। अप्लीकेशन फीस यहाँ पर है जनरल अनरिजर्व क्रीमी लेयर OBC के लिए 450 रुपये, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपये, वहीं SC ST PH के लिए 250 रुपये। सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न एग्जाम पर अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई है 20 जनवरी, लास्ट डेट है आपको 19 फरवरी और इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।